क्या आप जानते हैं कि किसी भी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी का किसी भी कार्यालय में या किसी भी जिले में एक निश्चित समय अवधि का कार्यकाल होता है? यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी निश्चित समय अवधि से ज़्यादा समय तक एक ही कार्यालय या एक ही जिले में रुकता है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कारण हो सकता है। इसी के तहत मैंने एक आवेदन किया है, सूचना का आवेदन दिया है तहसीलदार लालगंज आजमगढ़ के कार्यालय में, जो RTI की धारा 6(1) के तहत दिया गया है। इसमें कुल 6 बिंदु हैं, मैं क्रमशः 6 बिंदुओं के बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस आवेदन का जो पहला बिंदु है उसमें मैंने पूछा है कि तहसीलदार लालगंज आजमगढ़ के कार्यालय में कुल कितने अधिकारी व कर्मचारी हैं, प्रत्येक का नाम व पदनाम क्या है, प्रत्येक किस दिनांक से तहसील लालगंज में सेवा कर रहे हैं। बिंदु 2, तहसीलदार लालगंज आजमगढ़ के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी कौन सी परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण कर किस दिनांक से किस कार्यालय में किस पद पर सेवारत हैं। संबंधित परीक्षा का अनुक्रमांक व संबंधितों की शैक्षिक योग्यता की समस्त मार्कशीट की प्रमाणित प्रतिलिपि देने का कष्ट करें। और एक बिंदु है तहसीलदार लालगंज में, क्षमा कीजिएगा, तहसील लालगंज में कुल कितने लेखपाल हैं, प्रत्येक का नाम, पिता का नाम और पूरा स्थायी पता क्या है, प्रत्येक किस दिनांक से लालगंज में सेवारत है। और अगला बिंदु है कार्यालय तहसीलदार लालगंज आजमगढ़ के प्रत्येक अधिकारी की संपत्ति प्रमाण की प्रतिलिपि दें। इसके अलावा भी 2 बिंदु मैंने पूछा है, जो समय की कमी के कारण मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। यह सूचनार्थ आवेदन पत्र दिनांक 25/10/21 को दिया गया और रजिस्टर्ड डाक से दिया गया है।